हेलो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा सवाल। आप कितने दिनों तक बंद कमरे में अकेले बिना किसी इंसानी संपर्क के रह पाएंगे? 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीना या 1 साल? चाहे आप जितना भी समय अकेले बिता लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप जरूर बोर हो जाएंगे और आप आपके अपनों को मिस करने लगेंगे। फिर भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनको अकेला रहना अच्छा लगता है, लेकिन आज वो लोग भी यहाँ हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं, वहाँ की सभ्यता बाहर की दुनिया से तकरीबन 60,000 सालों से छिपी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 60,000 साल बिना किसी वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के। बस इतना ही नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि शायद उस खुफिया सी जगह में रहने वाले लोग अभी तक आग के बारे में भी नहीं जानते हैं। ये काफी दिमाग बौखला देने वाली बात है। मुझे पता है आपके मन में भी करोड़ों सवाल उठ रहे होंगे। अगर आपको और जानना है इस जगह के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। सन 1771 में ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची एक दिन बे ऑफ बंगाल के बीच अपने समुद्री जहाज में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक द्वीप के ऊपर, जहाँ से बहुत तेज रोशनी चमक रही थी। लेकिन रिची बिना किसी जांच पड़ताल किए लौट गए, और ये उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि उसके बाद खोजकर्ताओं ने उस द्वीप को जानने की जितनी भी कोशिश की, उन सब का अंजाम बहुत ही बुरा ही रहा है। वहाँ के निवासियों ने तकरीबन 60,000 सालों से किसी भी बाहरी इंसान को नहीं देखा था, तो इस केस में आप उनकी मानसिक अवस्था समझ ही सकते हैं। सन 1867 तक फिर से ये आइलैंड छुपा रहा, लेकिन इस बार लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली। उसी समय पे द निनेवा नाम का एक भारतीय सौदागर जहाज उस द्वीप पर क्रैश हुआ। उस द्वीप में फंसे यात्रियों पर उस द्वीप के निवासियों ने हमला बोल दिया। जैसे भी करके यात्रियों को बचाव दल ने बचा लिया। इसी के बाद उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलने लगी। इसी के दौरान पता चला कि इस खतरनाक खुफिया जगह का नाम है द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को द सेंटिनल्स ट्राइब भी कहा जाता है। ये द्वीप अंडमान और निकोबार आइलैंड के चारों रहने वाले कई द्वीपों में से एक है, और ये पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। ये वाकई में चौंका देने वाली बात है कि इतने सालों तक ये लोग कैसे छिपे रहे। वो लोग मानव विकास को समझने के लिए एक बहुत ही ठोस कुंजी हैं। तो आप अब उन खोजकर्ताओं की जिज्ञासा को समझ ही सकते हैं। उस छोटे से जहाज हादसे के बाद ब्रिटिश सरकार ने उस जगह को जानने की बड़ी कोशिश की, और आप समझ ही सकते हैं क्यों। उन्हें अपने साम्राज्य को जो बढ़ाना था, लेकिन उस द्वीप पर कदम रखते ही अचानक से द सेंटिनल्स ट्राइब के लोग हर खोजकर्ता के ऊपर खतरनाक हमला करने लगे। ये भी माना जाता है कि वर्तमान पीढ़ी के पूर्वजों ने 60,000 साल पहले छोड़ के इस द्वीप पर बसना पसंद किया था। तभी से वो जनजाति दुनिया के नजरों से छिप गई। अब इतने सालों तक बिना किसी इंसानी संपर्क के रहे, 2003 की फेमस मूवी जजंतरम ममंत्रम, ये लोग आज तक किसी भी देश के शासन में नहीं आए हैं। भले ही इस द्वीप की जिम्मेदारी भारत पर आती हो, लेकिन ये भारत द्वारा शासित नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन लोगों को हमसे डरना चाहिए? आपको याद ही होगा जॉन रिची के बारे में, जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। वेल, उन्होंने एक अन्वेषण के दौरान एक नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब के परिवार को किडनैप करके, ये उनके अनुसार उन व्यक्तियों के भले के लिए था, को लंदन लाने के कुछ ही दिन बाद उस परिवार के हर एक सदस्य को एक खौफनाक बीमारी हो गई। इस हादसे को देखकर रिची उन बाकी परिवार वालों को वापस छोड़ आए। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको हुआ के बाहर नहीं गई थी, उनका शरीर भी बाहर की बीमारियों के साथ लड़ने के काबिल नहीं था। हमारी दुनिया में हम आए दिन तरह तरह की बीमारियों का सामना करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास उनसे लड़ने की शक्ति। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी हादसों के क्या मतलब है? इन सभी घटनाओं का ये मतलब नहीं है कि किसी भी इंसान ने उस द्वीप को अच्छी तरह से नहीं देखा। उस आइलैंड को अच्छी तरह से जानने वाले वैज्ञानिकों में सबसे पहले थे भारतीय मानव वैज्ञानिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित। उन्होंने 1960 से लेकर 1991 तक उस द्वीप की यात्रा की। पहले उन पर भी धनुष बाण से नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब ने हमला करने के बाद भारतीय सरकार को लगा कि अगर नॉर्थ सेंटिनल लोग बाहर के इंसानों के संपर्क में आते हैं, तब उनकी पूरी जाति लुप्त हो सकती है बाहरी बीमारी की वजह से। इसीलिए सरकार ने उस द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और साथ ही उस द्वीप के चारों ओर एक 3 माइल एक्सक्लूजन रेडियस भी है। इसका मतलब है कि उस द्वीप के 3 मील के आसपास कोई भी नहीं जा सकता, और ये एकदम सही निर्णय था भारत सरकार का। इससे नॉर्थ सेंटिनल्स जनजाति बची रहेगी। और आप खुद ही सोचिए, अगर आपके घर में कोई बिना बुलाए घुस जाए तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना? तो उनको भी अकेले शांति में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। भी हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं।